नमस्कार, मैं अखिलेश बर्नवाल एक बार फिर से अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका परिवार भी स्वस्थ होगा और आपके मित्रगण भी अच्छे होंगे। जैसे कि आप हमें पिछले कई दिनों से देख पा रहे हैं कि हमने कैलाश मंजू बिश्नोई के द्वारा रचित पूरे उपन्यास को आपको पढ़कर सुनाया है। अभी उसके कुछ पार्ट और शेष रह गए हैं, शायद वही सबसे मुख्य है, वो भी आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। मैं इसलिए नहीं अपलोड करता हूँ क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि जो हमने इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है उसको कितने लोग पसंद कर रहे हैं, कितने सुन रहे हैं। आप सब लोग तो सुन तो लेते हैं लेकिन कमेंट करके ये नहीं बताते कि ये कितना अच्छा रहा, आपको अगला पार्ट सुनने की आवश्यकता है या नहीं है, आप सुनना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। जब तक आपकी प्रतिक्रिया नहीं मिलती तब तक हम कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करते। अतः आपसे निवेदन है कि यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कृपया अपना प्रतिक्रिया जरूर दिया करें, जिससे कि हम आगे का पार्ट जल्द से जल्द अपलोड कर सकें। इसी के साथ हमने इसके पीछे एक वीडियो दिया था, छोटा सा रिव्यू दिया था, संघर्ष अपने विरुद्ध, जो कि आचार्य प्रशांत के माध्यम से लिखा गया है। संघर्ष अपने विरुद्ध, इस पुस्तक का नाम ही बहुत अच्छा है। आज हम इसका एक पार्ट आपको पढ़कर सुनाएंगे, जिसका पहला चैप्टर का नाम है दूसरे के खिलाफ जाना आसान है, अपने खिलाफ जाना मुश्किल। ये उस समय की बात है जब आचार्य प्रशांत जी गोवा सन 2021 में गए हुए थे। सन 2021 में गए थे। ये कहानी ऐसी है कि दो लोगों के बीच है। कोई एक व्यक्ति आचार्य प्रशांत जी से प्रश्न कर रहा है, आचार्य प्रशांत जी उसका उत्तर दे रहे हैं, इस आधार पर लिखा गया है। तो चलिए सुनते हैं क्या होता है। दूसरों के खिलाफ जाना आसान है, अपने खिलाफ जाना मुश्किल। प्रश्नकर्ता कहता है, मेरा कॉलेज में जो अनुभव होता है वो कंपटीशन से, फियर अर्थात डर से और बहुत ज़्यादा प्रेशर से भरा हुआ होता है। इसके विपरीत जो अनुभव आपके वीडियो सुनने का होता है वो बहुत ही ज़्यादा शांतिपूर्ण होता है। अक्सर मुझे ये विचार आते हैं कि कॉलेज इत्यादि में जो डर है और जो दबाव है उसको छोड़कर मैं पूरी तरह वीडियोज को सुनने में या संस्था के कार्य में ही समर्पित हो जाऊं। क्या ये स्कोप नहीं है? क्या ये एक पलायन है? आचार्य प्रशांत जी जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है कि संघर्ष या दबाव या भय या प्रतिस्पर्धा सिर्फ कॉलेज में ही या व्यवसाय में या सांसारिक मसलों में ही है। हम आम तौर पर बस ऐसे ही छवि भर बना लेते हैं। हमें लगता है कि एक तो सांसारिक तल है, इसमें बड़ा घर्षण है, बड़ी रस्साकसी है, बड़े संघर्ष हैं, भय का सामना करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। इन सब बातों को हम जोड़ देते हैं बाहर की दुनिया से, चाहे वो कॉलेज की दुनिया हो, चाहे वो नौकरी की दुनिया हो, व्यापार की दुनिया हो। इसके विपरीत हम छवि बना लेते हैं अध्यात्म की दुनिया की। वहाँ हम कहते हैं कि बस प्रेम है, समन्वय है, सहिष्णुता है, आनंद ही आनंद है। तो कई दफे अगर बात को ठीक से समझा नहीं है, इन दोनों ही जगतों से पूरा परिचय नहीं है, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि बाहर की दुनिया को छोड़कर आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करेंगे तो सब दबाव तनाव संघर्ष से निजात मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दबाव और संघर्ष और श्रम अध्यात्म में भी उतने ही करने पड़ते हैं जितने कि संसार में। बल्कि अगर संसार में तुम थोड़ा सा ही श्रम करके काम चला लेते हो तो अध्यात्म में बहुत सारे श्रम की जरूरत पड़ने वाली है। प्रतिस्पर्धा अगर संसार में है तो प्रतिस्पर्धा अध्यात्म में भी है। ये बात तुम्हें थोड़ी सी हो सकता है चौंकाए, लेकिन यही सत्य है। सही बात है, हमें जितनी मेहनत इस सांसारिक जीवन में करना पड़ता है उतना ही मेहनत शायद अध्यात्म में भी करना पड़ेगा। देखते हैं आगे। बस अंतर इतना ही है कि संसार में तुम दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हो और अध्यात्म में तुम अपने ही खिलाफ
प्रतिस्पर्धा करते हो, संसार में तुम दूसरे के खिलाफ संघर्ष करते हो, और अध्यात्म में तुम्हें अपने ही विरुद्ध संघर्ष करना होता है। तो ये बात ये नहीं है कि बाहर की दुनिया में तो बड़ा तनाव और दबाव है और अध्यात्म के जगत में नहीं है, अध्यात्म के जगत में भी है, बस उसकी श्रेणी उसकी गुणवत्ता अलग है। दबाव तुम बाहर भी झेलते हो और दबाव तुम्हें अध्यात्म में भी झेलना पड़ेगा, पर उस दबाव और इस दबाव की श्रेणी में गुणवत्ता में अंतर होता है। बाहर तुम दबाव झेलते हो कुछ और अतिरिक्त हासिल करने के लिए, और अध्यात्म में तुम दबाव झेलते हो क्योंकि तुमने जो कुछ भी व्यर्थ हासिल कर लिया होता है उसे छोड़ना आसान नहीं होता है। तुम उसे छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, वो छूटना चाह नहीं रहा है, वो तुम पर दबाव बना रहा है कि तुम मुझे मत छोड़ो। बाहर दबाव रहता है कि मुझे पाओ मुझे पाओ मुझे पाओ, और अध्यात्म में वो जिसको तुमने नाहक पा लिया है वो दबाव बनाता है कि मुझे मत छोड़ो। ठीक है, तो वो सब गुण जो तुमको दुनिया में सफल होने के लिए चाहिए, वो सब गुण तुम्हें अध्यात्म में भी सफल होने के लिए चाहिए। हाँ, अध्यात्म में अगर सफल होना है तो तुम्हें कुछ और कुछ अतिरिक्त गुण भी चाहिए होंगे। बाहर सफल होने के लिए तुम्हें सिर्फ संघर्ष और श्रम करना पड़ता है और बुद्धि लगानी पड़ती है, भीतर सफल होने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ संघर्ष और श्रम ही नहीं चाहिए, विवेक भी चाहिए। पता तो हो तुम किसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हो। भीतर सफल होने के लिए तुम्हें सिर्फ बुद्धि ही नहीं चाहिए, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि बुद्धि को संचालित कौन कर रहा है। तो भीतर की दुनिया अध्यात्म का जगत कोई आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाहर जो हारे हुए लोग हैं वो भीतर आकर जीत जाएंगे, बल्कि बाहर की दुनिया में सफल होना तो फिर भी आसान है, भीतर की दुनिया में सफल होना बहुत मुश्किल है। बाहर सफल होने के लिए मैंने कहा आपके पास जो जो योग्यताएं होनी चाहिए, भीतर सफल होने के लिए वो सब योग्यताएं तो चाहिए ही चाहिए, उनकी ओर देखने वाली आँख चाहिए, अंतर मन चाहिए, चीज़ों को गहराई से समझने की नीयत चाहिए, सच के प्रति निष्ठा चाहिए। तो ये विचार बिल्कुल मन से हटा दें कि बाहर नहीं जीत पाए तो भीतर जीत लेंगे। बाहर लड़ना पड़ता है न दुनिया में, बाहर लड़ना पड़ता है न दुनिया में। देखो जिसको देखो वही संघर्षरत है, भीतर और ज्यादा लड़ना पड़ता है, भीतर और ज्यादा लड़ना पड़ता है। सच्चा आध्यात्मिक आदमी जो लगातार जूझ रहा होता है उसके संघर्ष का तो कोई अंत ही नहीं, क्योंकि उसे किसके खिलाफ लड़ना है, अपने ही खिलाफ। बाहर तो तुम फिर भी आबासा किसी से लड़ आए, हो सकता है जीत भी जाओ, हो सकता है सिर्फ दिन भर ही उतना ही वक्त संघर्ष चलता हो जितने समय तुम काम में दफ्तर में कारोबार में हो। अपने खिलाफ संघर्ष तो दिन के 8-10 घंटे नहीं, 24 के 24 घंटे चलना पड़ता है, चलता रहता है। बात समझ में आ रही है? आचार्य प्रशांत जी उस प्रश्नकर्ता से पूछ रहे हैं, बात समझ में आ रही है? तो कमजोर लोगों के लिए अगर सफलता की संभावना दुनिया में नहीं है तो आंतरिक जगत में तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो फिर भी हो सकता है कि कुछ कमजोरियां बचाए रख करके भी तुम दुनिया में सफल हो जाओ, होता है कि नहीं? बहुत लोग होते हैं जिनमें तमाम कमजोरियां होती हैं, फिर भी दुनिया में हमें सफल दिखाई देते। दुनिया में सफलता का मतलब होता है, दुनिया में सफलता का क्या मतलब होता है? अपना नाम बना लिया,
पैसा कमा लिया, 10 लोगों से सम्मान पा लिया, कोई ऊंची पदवी मिल गई, यही सब दुनिया में सफलता की निशानियां होती हैं। तो ये तो हो सकता है कि तुम में 10-20 कमजोरियां हैं, फिर भी तुम्हें दुनिया में सफलता मिल जाए, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ऐसा होता है। लेकिन 10-20 छोड़ दो, तुम में अगर अभी भी एक कमजोरी बाकी है, दुर्बलता जरा भी तुम में अभी शेष है, तो तुम भीतर के जगत में सफल नहीं हो सकते। अध्यात्म तो इतनी बड़ी शर्त रखता है, कहता है कि जब तक तुमने अपनी आखिरी कमजोरी भी जीत नहीं ली, मिटा नहीं दी, तब तक तुम विजेता नहीं माने जा सकते। जो तो अध्यात्म इसलिए बड़े सूरमाओं के लिए है, बड़े हिम्मतवर लोगों के लिए। तुम कह रहे हो मेरी वीडियो सुनकर तुम्हें तनाव से शांति मिलती है, अच्छी बात है, पर अभी तुमने पहला कदम लिया है। मैं जिस शांति की बात करता हूँ, मैं जिस शांति की तरफ तुमको प्रेरित करता हूँ, वो कोई सस्ती शांति नहीं है, बहुत महंगी शांति है। वो पाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, उनको पाने के लिए बहुत संघर्षों से गुजरना होगा। वो दूर से देखने में हो सकता है तुमको बड़ी दुर्लभ लगे, बड़ी आकर्षक लगे, पर जैसे जैसे तुम उसके निकट आओगे, जैसे जैसे तुम कहोगे कि मुझे ये शांति सिर्फ स्क्रीन पर नहीं देखनी, सिर्फ आचार्य जी के मुंह से नहीं सुननी, मुझे ये शांति अपने जीवन में लानी है, तुम पाओगे तुम्हारा रास्ता मुश्किल होता जाएगा। तुम पाओगे कि तुम्हारा रास्ता और भी मुश्किल हो रहा है। ये मेरी बातें सिर्फ बातें ही नहीं है कि जिनको सुनकर तुम थोड़ी देर के लिए तनाव मुक्त हो जाओ, तुम्हें थोड़ी देर राहत, थोड़ा सुकून मिल जाए। मेरी ये बातें शांति से पहले क्रांति का आह्वान है, आवाहन है, ये आंतरिक युद्ध का शंखनाद है, और कोई नहीं अगर ध्यान से सुनेगा तो उसे क्रांति में कूदना ही पड़ेगा। और जब क्रांति में कूदोगे तब मैं पूछूंगा कि दुनिया में जितना संघर्ष कर रहे थे, दुनिया में जितनी लड़ाई चल रही थी, अब बताओ बेटा उससे कम चल रही है कि ज़्यादा चल रही है। और तुम कहोगे दुनिया में तो कुछ भी नहीं था, अब तो मारपीट शुरू हुई है, ये तो कई गुना ज़्यादा है। दूसरों के खिलाफ लड़ना कहीं ज़्यादा आसान है अपने ही खिलाफ लड़ने से। दूसरों को कुछ सिद्ध कर देना, जता देना, साबित कर देना कहीं ज़्यादा आसान है अपनी ही साक्षी दृष्टि के सामने अपनी सत्यता प्रमाणित करने से। दूसरों का तो बहुत होता है ना कि जता अता के जता आते के हो कि हम बड़े आदमी हैं, हम बड़े सच्चे आदमी हैं, हम बेहतर बढ़िया आदमी हैं, ये आसान है, खुद को ये प्रमाणित करो तो जाने। अध्यात्म का मतलब है किसी और के सामने कुछ नहीं प्रमाणित करना, तुम अपने निरेड़ता स्वयं हो, साक्षी आत्मा ही न्याय करेगी, और वो सब जानती है, सब देख रही है, उससे क्या छुपा है। जब उससे कुछ भी नहीं छुपा तो उससे तुम्हारा छोटे से छोटा दोष भी छुपा है क्या? दूसरों के सामने तो अपने दोष छुपा जाओगे, खुद से कैसे छुपाओगे? तो ज्यादा मुश्किल क्या है, दुनिया के सामने बड़े बन जाना या वास्तव में बड़े हो जाना? बोलो तो अध्यात्म का ताल्लुक वास्तविकता से है, दुनिया के सामने कुछ सिद्ध करने से नहीं। इसीलिए तो तुम समझ रहे होंगे कि ज़्यादातर लोग अध्यात्म से घबराते क्यों। असली अध्यात्म से नकली अध्यात्म तो बड़ा आकर्षक होता है, उसकी ओर तो बहुत भागे जाते हैं। असली अध्यात्म से लोग घबराते क्यों हैं, क्योंकि मुश्किल वहाँ दिखावे से बात नहीं बनेगी, वहाँ वास्तविकता सामने आती है ना। तो जो लोग दुनिया की लड़ाइयों में खचपच कर रहे हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि भाई लड़ तो रहे ही हो, असली लड़ाई लड़ लो। हाँ,
असली लड़ाई थोड़ी और मुश्किल जरूर पड़ेगी, पर कम से कम तुम्हें उसमें कुछ असली लाभ भी तो होगा। नकली लड़ाई लड़ो या झूठी, और ओझी लड़ाई लड़ो जिसमें मेहनत तो कम लगे लेकिन हासिल कुछ ना हो और समय भी बर्बाद हो जाए। यह बेहतर है या असली लड़ाई लड़ना जिसमें श्रम ज़्यादा लगेगा, अनुशासन ज़्यादा लगेगा, दर्द भी ज़्यादा होगा, लेकिन जो हासिल होगा वो सच्चा होगा, ये बेहतर है? बोलो। 5 रुपए में जहर मिल रहा हो और 50 रुपए में अनार का रस, तो अनार का रस ये कहकर ठुकरा दोगे कि महंगा है? भाई वो 5 ही रुपए का है लेकिन वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। बाहर की लड़ाई लड़ने में आसान है, सस्ती है, 5 रुपए वाली है, लेकिन तुम्हें बर्बाद कर देगी। जहर है, उसमें 5 रुपए भी गंवाओगे और बदले में जहर पाओगे। असली लड़ाई महंगी है पर उसमें वास्तविकता लाभ ही होगा। और तुम ये नहीं कह सकते कि ना पाँच ना पचास हम 1 रुपया खर्च नहीं करेंगे। जो कह दे ना 5 ना 50 वो समझ लो 5 वाले क्षेत्र में ही है। जो भीतर अपने ही अपने नहीं देख रहा उसे बाहर उलझना ही पड़ेगा। उसके लिए एक व्यवस्था बन जाएगी, अनिवार्यता बन जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर तुम भीतर नहीं देख रहे हो तो आंखें खुद ही लगातार किधर को देख रही हैं, कान खुद ही लगातार किधर को सुन रहे हैं, तो बाहर वाला काम तो बिना तुम्हारे संकल्प, बिना तुम्हारी इच्छा के भी खुद ब खुद चल ही रही है ना। भीतर उतरने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बाहर उतरने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। बाहर जैसा निर्माण हुआ है हम बाहर के तो है ही, बाहर वाला काम तो स्वयमेव चलता है, भीतर वाला काम मेहनत से चलता है, उसके लिए कुछ अतिरिक्त प्रयत्न करना पड़ता है। बाहर वाला तो चलता ही रहेगा, भीतर वाला काम करो। जब भीतर वाला काम सही चलता है तो तुम पाते हो कि तुम बाहर वाला काम बहुत आसान हो गया। जो बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और बड़ी लड़ाई जीत रहा है उसके लिए अब छोटी लड़ाई कैसी हो जाएगी? बच्चों का खेल उसको तो बहुत आसानी से जीत लेगा ना। भीतर वाली लड़ाई जीत लो, बाहर की सब लड़ाइयाँ तुम पाओगे कि तुम्हारे लिए बहुत आसान हो गई हैं। वाह आचार्य प्रशांत जी, सचमुच जो लोग सोचते हैं कि बाहर की दुनिया आसान है, चलो इस संसार को त्याग करके बाहर की दुनिया अपनाते हैं, शायद नहीं। बाहर की दुनिया तो और भी कठिन है, अपने से युद्ध करना और भी कठिन है। लोग दूसरों में तो बुराइयां देख पाते हैं लेकिन अपने ही अंदर सिर्फ अच्छाइयां ही अच्छाइयां ढूंढते हैं, बुराइयों को नहीं देखते। आचार्य प्रशांत जी इस बात का वर्णन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं। चलिए इनका एक चैप्टर आज खत्म होता है। तुरंत इसी वीडियो में आपको हम दूसरा चैप्टर पढ़ के सुनाते हैं जिसका नाम है सब नशे सारी बेहोशी उतर जाएगी, जो कि ये बोघस्थल में रह करके सन 2021 में लिखे हुए हैं। चलिए पढ़ते हैं इनका अगला चैप्टर, अगला पाठ है इनका सब नशे सारी बेहोशी उतर जाएगी। ये बोघस्थल में रहते हुए सन 2021 में लिखे हैं। प्रश्नकर्ता कहता है, आप कहते हैं कि हम सब एक बेहोशी जीवन जी रहे हैं, हम सब इतने बेहोश हो कैसे जाते हैं? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। देखते हैं आचार्य प्रशांत जी उसका उत्तर क्या देते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं। ये सवाल होश में पूछा जा रहा है या बेहोशी में? आचार्य प्रशांत जी स्वयं उस प्रश्नकर्ता से कह रहे हैं कि आप जो हमसे प्रश्न कर रहे हैं ये आप होश में पूछ रहे हैं या बेहोशी में? वजह समझो, जो बेहोश है उसके लिए ये जानना जरूरी है कि पीछे 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 और पीछे
अतीत में कैसे उसने पहली बार बेहोशी का चयन किया था, या उसके लिए ये जानना जरूरी है कि अभी होश में कैसे आऊं तुरंत। पर अगर हम सवाल सही नहीं पूछ रहे तो इसका मतलब है सही रास्ता हम चलना नहीं चाहते। अगर आप ये भी पूछते हो कि ये कैसे हुआ था पहली बार कि अहम ने बेहोशी का चुनाव किया था, तो ये पूछकर भी आप आज भी बेहोशी का ही चयन कर रहे हो। जिसे होश में आना होगा वो ये नहीं पूछेगा कि पीछे 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 और क्या हुआ था पीछे, क्योंकि पीछे की श्रृंखला तो अनंत है ना। तुम्हें बताया गया कि पीछे ऐसा हुआ था, इस तरह से तुम बेहोश हुए थे, तो तुम कहोगे फिर उसके पीछे। फिर बताया जाएगा कि ये हुआ था तो ऐसे तुम बेहोश हुए, फिर तुम पूछोगे उसके पीछे। तो ये श्रृंखला अगर अनंत है तो ये पूछकर तुमने खुद को अधिकार दे दिया अनंत समय तक बेहोश रहने का। बात समझ रहे हो? आचार्य प्रशांत जी ये सब बातें प्रश्नकर्ता से कह रहे हैं। जैसे मान लो कोई बेहोश है, पिया हुआ है खूब, ठीक है, तो उसे खूब चढ़ी हुई है और तुम उसके सामने जाओ नींबू पानी लेकर के और कह रहा है नहीं भाई पहले ये बता मुझे चढ़ी कैसे। तो तुमने उसे बताया कि तुम्हें चढ़ी ऐसे कि वो जो बगल का ओम वीर है तुझे पिलाकर चला गया था। वो बोल रहा है अच्छा, और तुम नींबू पानी का गिलास लेकर उसके सामने बैठे हो, वो पीने के तैयार नहीं। फिर पूछता है अब ये बता ओम वीर को मिली कहाँ से। तो तुमने बताया कि ओम वीर को वो जो बगल में अर्जुन है वो ला कर दे गया था। बोल रहा है अच्छा, ये बता अर्जुन को कहाँ से मिली। तो अब तुम बता रहे हो अर्जुन को फलानी जगह से मिली। फिर बात चलते चलते पहुंच गई उस फैक्ट्री तक जहां वो शराब तैयार हुई। अब तुम पूछ रहे हो कि फैक्ट्री में अंगूर कहां से आया। अब वो फिर पूछ रहा है फैक्ट्री में अंगूर कहां से आया। फिर वो अंगूर जहां से आया उस किसान का नाम क्या था। ये सब बातें चल रही है जब सामने क्या रखा हुआ है, नींबू पानी का गिलास। तुम समझ पा रहे हो ये सारा वार्तालाप, ये सारी प्रश्नोत्तरी चल किस लिए रही है? ताकि नींबू पानी ना पीना पड़े, ताकि बेहोशी कायम रहे। ये सारे सवाल बेहोशी के हैं, बेहोशी के ही हैं, और बेहोशी को कायम रखने के लिए है। अन्यथा तुम्हारे पास बस एक सवाल होगा, मैं बेहोश हूं, ये बेहोशी मुझे पसंद नहीं आ रही, बताओ उतरेगी कैसे। अभी उतरनी है, बस एक सवाल होगा, अभी उतारनी है, जिया नहीं जा रहा, अभी उतारनी है। बाकी किसी सवाल किसी इधर उधर की चर्चा में हमारी रुचि ही नहीं। हम नहीं जानना चाहते कि कहाँ से आई, क्या हुआ, तुम्हें सांप काट गया, तुम ये पता करने जाओ कि सांप किस जाति का था, तुम ये पता करने जाओगे कि सांप किस खेत से निकल कर आया था, या सीधे कहोगे भैया जहर चढ़ रहा है जहर उतारो, और जिसे सांप काट गया वो कहे पहले ये बताओ कि सांप देसी था या इम्पोर्टेड यानी विदेशी, सांप विदेशी था या अपने देसी। इस आदमी की मरने में ही रुचि है बस, सही बात है। यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले और काटने के समय वो ये पूछे कि सांप देसी था या विदेशी, तो निश्चिंत है कि वो उस सांप के जहर से मरना चाहता है। देखते हैं आगे, समझ में आ रही है ये बात। तुम्हारी अभी जो स्थिति है, अगर ये पूछने लग जाओगे कि क्या हुआ क्यों हुआ, तो कारण की अनंत श्रृंखला में फंस कर रह जाओगे। कहीं नहीं रुकने वाली बात। किस लिए समझाया जाता है? उन सब लोगों को जो गलत जीवन जी रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, जो बेहोश हैं। तुम कुछ भी कर रहे हो उसका कारण मत बताने लग जाना। इस तरह से अपने जीवन को अपनी हरकतों को जायज मत ठहराने लग जाना। ये जस्टिफिकेशन अर्थात न्यायोचित है, बिल्कुल गलत बात है।
मैं अभी ऐसा इसलिए हूं क्योंकि 4 साल पहले मैं ऐसा था। मैं अभी ऐसा इसलिए हूं क्योंकि 4 साल पहले मैं ऐसा था। अच्छा, तो 4 साल पहले ऐसे क्यों थे? क्योंकि उससे 2 साल पहले वैसा था। उससे 2 साल पहले ऐसा क्यों थे? क्योंकि उससे पहले ऐसा था। उससे पहले ऐसा क्यों थे? क्योंकि पैदा ही ऐसा हुआ था। अच्छा, पैदा ऐसे क्यों हुए थे? क्योंकि मेरे बाप ऐसे हैं। माँ बाप ऐसे क्यों हैं? क्योंकि मेरे दादा दादी ऐसे हैं। सही बात है, पास्ट अनंत है, पीछे 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 पीछे। यदि आप 50 सीढ़ी चढ़ गए, एक और पीछे है, तो उसके पीछे एक और है, एक और है, एक और है, एक और है, एक और है। अतः पास्ट अनंत है। यह तुमने कितनी लंबी श्रृंखला कर ली है? अनंत श्रृंखला कर ली है। और ये अनंत श्रृंखला तुम सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि तुम जिस सड़ी हुई हालत में हो उसको बचा कर रख सको। मैं क्या करूं? मैं इसलिए ऐसा हूं, इसीलिए ऐसा हूं क्योंकि 4 साल पहले मैं कैंपस में ऐसा था। तो तुम देख नहीं रहे? तुम कितनी गंदी चाल चल रहे हो अपने ही साथ। मत पड़ो इस कारण के खेल में, काजेशन में। बहुत बड़ा धोखा होता है क्योंकि कोई चीज किसी दूसरी चीज का काज अर्थात कारण वास्तव में होता ही नहीं है। हर चीज का कारण अभी है, अतीत में नहीं। अगर तुम्हारी अभी दुर्गति हो रही है तो उसका कारण अभी में बैठा हुआ है, अतीत में नहीं। काजेशन धोखा है, कारणता धोखा है। वो तुमको बताता है कि कारण पीछे है, जबकि कारण कभी पीछे होता ही नहीं, कारण अभी होता है। तुम्हारी दुर्गति अभी इसलिए है क्योंकि तुमने वही विकल्प चुना है। कारणता बोलते हैं काजेशन को। क्या कारणता झूठी चीज होता है? वो जब भी कभी बहुत बेवकूफ़ी कर दो, ये मत कह दो कि मैंने इस वजह से करी कारणता धोखा है। वजह हमेशा एक होती है। क्या बेहोशी का चयन? बस बेहोशी का चयन है, कुछ और नहीं, कोई और बात ही नहीं। नशा पसंद है, कुछ भी किया हो उत्तर उसका बस एक होना चाहिए। कोई बेवकूफ़ी, कोई बेईमानी, जवाब एक। क्या नशा पसंद है? लेकिन उसकी जगह 100 तरह के बहाने। वो रामलाल ने लखुआ की गदही चुराई थी, इसलिए मेरे बाएं हाथ पर तिल का निशान है। और कहानियां उड़ाओ, लंबे लंबे लच्छे फेंको, रामलाल, लखुआ, कबूतर दास और फलाना, ये वो, कहानी पर कहानी दे दनादन। और कोई बोले कि कहानी ही तो है, सबूत लेकर आओ, तो बोलो नहीं ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये देखो सबूत, इसलिए हुआ था, ये इसलिए हुआ था। कारणता है भाई, कहानी नहीं है, काजेशन है। एक ही कारण है, ठीक। अभी तुम्हें नशा पसंद है, तुम्हें नशे का चयन करना है, इसी को बेहोशी बोलते हैं, और कोई बात नहीं। शराब वाली बेहोशी के साथ तो फिर भी एक मजबूरी होती है कि चढ़ गया है नशा तो अपने समय लेकर उतरेगा। लेकिन जो अंदर वाली बेहोशी होती है, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, अहंकार वाली बेहोशी, उसके साथ एक सुविधा है कि नशा तत्काल उतर सकता है। तुम अभी चाहो वो नशा अभी उतर जाएगा। अगर ठीक अभी तुम नहीं उतार रहे तो ये तुम्हारी मजबूरी नहीं है, ये तुम्हारा चुनाव है। आ रही है बात समझ में? इस पाठ में आचार्य प्रशांत जी, इस पाठ में आचार्य प्रशांत जी के कहने का अर्थ ये है कि अगर बैक सोचोगे, पास्ट सोचोगे, तो पास्ट बहुत लंबा है, पास्ट बहुत लंबा है। पीछे जाओगे तो पीछे दर पीछे दर पीछे 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 पीछे, मतलब पीछे ही सोचते रहेंगे। आचार्य प्रशांत जी के द्वारा रचित ये पाठ भी खत्म होता है। हम चलते हैं अगले पाठ की ओर। अगले पाठ का नाम है आज दुश्मन छुपा हुआ है। आज दुश्मन छुपा हुआ है, चलिए देखते हैं।
ये भी बोधस्थल में रहकर इन्होंने सन 2021 में ही लिखा है। प्रश्नकर्ता कहता है, आचार्य जी प्रणाम, कल आप बोल रहे थे कि शहीद भगत सिंह के समय में एक शत्रु था और वो शत्रु अंग्रेज थे। अपने शत्रु के बारे में उन्हें पता था। इन दिनों अनेक शत्रु हैं और पता भी नहीं है कि वो है कौन। कृपया इशारा करें कि वो अनेक शत्रु कौन है। प्रश्नकर्ता ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। देखते हैं कि आचार्य प्रशांत जी इसका जवाब क्या देते हैं। वो जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं, मैंने एक अनेक नहीं कहा था, मैंने प्रकट अप्रकट कहा था। मैंने कहा था कि शत्रु प्रकट था, अभी अप्रकट है। प्रह, तो अभी इन दिनों तो अप्रकट शत्रु कौन है? प्रश्नकर्ता पूछ रहा है कि तो अभी इन दिनों अप्रकटकर्ता शत्रु कौन है? आचार्य जी फिर जवाब देते हुए कहते हैं, उन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए जिन पर हमारा आज का जीवन आधारित है। उनमें बताइएगा कितना प्रकट है और कितना अप्रकट है। कहाँ से शुरुआत करूँ? कहीं से भी कर सकता हूँ, चलिए यहीं से कर लीजिए। 100 साल पहले अगर आप मांस खाते थे तो आपको दिखाई पड़ता था कि जानवर का वध किया जा रहा है। जानवर खड़ा है, उसका गला काट रहा है, वो चीत्कार कर रहा है, खून बह रहा है, पंख नोचे जा रहे हैं या हड्डियां हटाई जा रही हैं, ये सब दिखता था। अभी बहुत सुंदर डब्बा आ जाता है पैकेज्ड मीट का, और वो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और नई नई स्टार्टअप्स निकल रही है जो आपको ऑनलाइन पैकेट मीट देती है, और वो बड़ा सुंदर लगता है। पीछे की बर्बरता छुपा दी गई। पहले दिखती तो थी कि मारा जा रहा है, वध हो रहा है, तब दया भी आती थी। वाह, प्रश्नकर्ता के प्रश्न का ऐसा उत्तर, क्या बात है आचार्य प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य प्रशांत जी ने कितना अच्छा उदाहरण दिया। सचमुच पहले के लोग, आज के 100 साल पहले के लोग मांस खाते थे तो वो देखते थे कि जानवरों को मारा जा रहा है, गला काटा जा रहा है, जानवर चीत्कार कर रहे हैं, चीख रहे हैं। आज क्या है, कुछ नहीं दिखता। ऑर्डर किए, पैकेट के अंदर आया, उसके पीछे की भावना खत्म हो गई, छुपा दी गई। ये षड्यंत्र है। कितने जानवर मारे गए, उनको कितना कष्ट हुआ, वो कितने चीत्कार लगाए, ये सारी चीज़ें छुपा दी गई हैं। अभी और भी नई नई टेक्नोलॉजी आगे आती रहेगी, फिर भी चलते हैं, देखते हैं आगे प्रशांत जी क्या कहते हैं। अब तो चाहे तुम जूते का डब्बा मंगवाओ ये या मांस का डब्बा, वो एक ही जैसा दिखता है, बहुत साफ सुथरा मालूम होगा। बड़ा सुव्यवस्थित दुकान होगी, उस पर लिखा होगा फ्राइड चिकन, क्या बात है। और वहाँ साफ कपड़ों में वेटर आदि कर्मचारी घूम रहे होंगे, एयर कंडीशनिंग चल रही होगी, बढ़िया रोशनी होगी, संगीत भी चल रहा होगा, साफ सुथरे सजे संवरे लोए सत्य समरे हुए लोग होंगे। उसमें कहीं ये प्रकट है कि असली धंधा क्या है, कहीं प्रकट है? आपको ख्याल भी आता है उस वक्त, क्या बोलिए, आता है क्या? नहीं, कभी नहीं आएगा। बहुत बताते हैं, मैंने बस शुरू यहाँ से किया, अभी और बातों पर भी आ सकते हैं। तब नहीं जाते थे इतनी छुट्टियां मनाने लोग, अब आप जाते हो और आप हवाई जहाज पर चल देते हो। वो हवाई जहाज कितना कार्बन छोड़ रहा है, ये कहीं से प्रकट है क्या? है प्रकट? नहीं प्रकट, बस ये है कि हॉलीडे हो रहा है, एयरपोर्ट बढ़िया है, फिर एयरपोर्ट पर उतरे, फिर होटल पहुंच गए, सब कितना साफ सुथरा। और जो गंदगी की गई है, क्या वो प्रकट है? और वो गंदगी हमें बर्बाद कर नहीं रही है, कर रही नहीं है, कर चुकी है। और वो गंदगी हमें बर्बाद कर नहीं रही है, बल्कि कर चुकी है। आप चिप्स खा रहे हो, चिप्स सब अच्छा ही अच्छा है, क्या ये प्रकट है कि
ये आलू के चिप्स हैं, ओरांगुटान का मांस थोड़े ही है, ये प्रकट थोड़े ही है कि वो आलू के चिप्स जिस पाम ऑयल से बन रहे हैं उस पाम ऑयल के लिए जंगल काटे गए और उन जंगलों में ओरांगुटान रहता था, वो खत्म ही हो गया, बचा ही नहीं। आप तो कह रहे हो मैं तो चिप्स खा रहा हूँ, आप प्रकट थोड़े ही है, वो चिप्स नहीं है, ओरांगुटान का खून है, प्रकट है नहीं। ये तो सिर्फ फर्क है आज से 9 साल पहले और आज के समय में, आज के 100 साल पहले और आज के समय में। आज सब कुछ ऊपर ऊपर से चिकना चुपड़ा है, आपको दिखाया ही नहीं जा रहा है कि आप कितना क्रूर बर्बर और घटिया जीवन जी रहे हैं। आप किसी दफ्तर में काम करते हो, आपको लगता है कि मैं तो सॉफ्टवेयर फर्म में काम करता हूँ और बढ़िया है, आप ऐसे ही चिकना चुपड़ा सुंदर सुंदर साफ साफ बड़े सभ्य तरीके से काम हो रहा है, कोई भी आपसे चिल्लाकर बात नहीं कर रहा, आपके सब अधिकारों की सुरक्षा की जा रही है, आपको लग रहा है मैं तो बड़ी उन्नत कटिंग एज इंडस्ट्री अर्थात अत्याधुनिक उद्योग में काम करता हूँ, ब्लीडिंग एज। आपको पता भी है आप जो सॉफ्टवेयर लिख रहे हो उसका उपयोग किस काम के लिए हो रहा है, पता है? आप प्रकट है ना, छुपा हुआ है, आप तो मौज में अपनी तनख्वाह लेकर घर आ गए, आपको पता भी है आप जो कर रहे हो वो दुनिया को बर्बाद करने के काम आ रही वाली चीज। सब आप प्रकट है, 100 साल पहले दुनिया के शीर्ष 2% अमीरों के पास जितनी दौलत थी आज उससे 1000 गुना ज़्यादा है, जिसे जितनी कॉम्फिशियंट कहा जाता है वो बद से बदतर होता जा रहा है, पर आप तो जा कर के अपने मालिकों के दफ्तर में काम कर आते हो ना, बिना ये देखे कि आप जो काम कर रहे हो वो किसी अमीर आदमी को और अमीर बना रहा है। आप तो कहते हो नहीं मेरी तो बड़ी प्रोफेशनल और रिस्पेक्टेबल वर्क प्लेस अर्थात सम्मानजनक कार्यस्थल है, बड़ी मॉडर्न कंपनी है मेरी और जितने भी लिबरल प्रिंसिपल्स होते हैं सबका पालन करती है। ये आपने कभी देखना चाहा कि कुल मिला जुला कर आपके सारे काम का नतीजा क्या निकल रहा है? ये निकल रहा है कि दुनिया की सारी ताकत कुछ चंद हाथों में केंद्रित होती जा रही है। सब अप्रकट है, जो प्रकट है वो छल है, छलावा है, धोखा है। प्रकट ये है कि बहुत सुंदर मस्जिद बनाया गया है, अप्रकट ये है कि वहाँ पहले जंगल हुआ करता था, किसको काट कर वो मस्जिद बनाया गया, लेकिन आप ईश्वर की पूजा करते ही जा रहे हैं। हमारे पास वो आंखें ही नहीं जो आप उसको भी, हमारे पास वो आंखें है ही नहीं जो उसको भी देख पाए, जो बताया नहीं जा रहा, जो छुपा हुआ है। हम बस उतना ही देखते हैं, उतना ही सुनते हैं जितना हमारे कानों में मीडिया डाल देता है, जितना हमारी आंखों को दिखाई पड़ जाता है। हम ऐसे डम्ब अर्थात मूर्ख हो गए हैं कि अपनी छोटी दुनिया, अपने छोटे स्वार्थों के आगे कुछ देख सुन नहीं पाते। पहले तो दुश्मन सामने था और दुश्मन में इतनी ईमानदारी थी कि बता देता था कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। आज तो जो आपका दुश्मन है वो आपके घर में घुस कर बैठा हुआ है, आपका हितैषी बनकर बैठा हुआ है, आप उसी का पानी पी रहे हो, उसी की नौकरी कर रहे हो, उसी की रोटी खा रहे हो, उसी को टीवी में देख रहे हो, उसी का बनाया टीवी खरीद रहे हो। आप पूरे तरीके से अपने दुश्मन की गिरफ्त में हैं और तो और खौफ होगा आपको, उसी के अनुसार आप जीवन जी रहे हो, उसी के अनुसार शादी कर रहे हो, उसी के अनुसार बच्चे पैदा कर रहे हो, जी भी उसी के मुताबिक रहे हो, पर भी मर भी उसी के हिसाब से रहे हो। तुम्हारा खाना पीना तुम्हारा दुश्मन निर्धारित करता है, तुम्हारे पति पत्नी तुम्हारा दुश्मन निर्धारित कर रहा है, तुम्हारी एक एक सांस पर किसी बाहरी ताकत का कब्जा है जो तुम्हें बस लूट रही है और तुम्हें पता भी नहीं।
इसलिए धर्म युद्ध चाहिए। इसीलिए कह रहा था कि कल की जाओ, कल की आओ और साथ दो। और मैं भी ये समझता हूँ कि साथ देना उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जो जीवन के तमाम तरह के बंधनों तथा कथित जिम्मेदारियों में बंध गए हैं। इसलिए मैंने कहा था, युवाओं का आवाहन किया था कि तुम जाओ। फिर प्रश्न पूछता है, जब हमको ये चीज़ समझ आ जाती है, दिखने भी लग जाती है और हम हेल्पलेस अर्थात असहाय महसूस करते हैं इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, तो ऐसा क्यों है? आचार्य जी उत्तर देते हुए कहते हैं, हेल्पलेस असहाय इसलिए महसूस करते हो क्योंकि भोगना है। हेल्पलेस तुम इसलिए थोड़ी महसूस करते हो कि दुश्मन ताकतवर है। हेल्पलेस इसलिए महसूस करते हो क्योंकि तुम्हारा स्वार्थ बड़ा है, तुम्हें सुविधाओं की लत लगी है, उन्हें तुम छोड़ नहीं सकते, तुम्हें वही सब उत्पाद चाहिए, पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, सुविधाएं चाहिए, इसलिए हेल्पलेस हो, अपने हाथों मजबूर हो। प्रश्नकर्ता फिर प्रश्न पूछता है, अगर कुछ भी करना चाहें तो छोटे से छोटा तो कैसे करें? फिर आचार्य जी उसका उत्तर देते हैं, तो उसकी कीमत अदा करो। कीमत अदा करने से क्यों डरते हो? फिर प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछता है, क्या इस समस्या के केंद्र में उपभोक्तावाद है या उससे भी ज़्यादा कुछ जटिल है? फिर आचार्य जी उत्तर देते हैं, देखो उपभोक्तावाद कोई नई चीज़ नहीं है, भोगने की वृत्ति तो आदमी में सदा से थी। अभी तो बस इतना हुआ है कि ज्ञान संचित होते होते उस अवस्था में पहुंच गया है जहां तुम जितना चाहो भोग सकते हो। आदमी भोगना सदा से चाहता था पर मजबूरी थी, पूरा भोग नहीं पाता था, जो कुछ चाहिए उतना उपलब्ध नहीं था। अब पहले भाप आ गई, स्टीम आ गई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अर्थात औद्योगिक क्रांति हो गया, फिर इंटरनेट आ गया, अब इतनी वस्तुएं हैं भोगने के लिए कि जितना चाहो उतना भोग सकते हो। ये जो दुनिया की इतनी आबादी बढ़ी हुई है, ये भोगने का ही तो परिणाम है और ये भोगने के लिए ही पैदा हो रही है। समझना बात को, ये जो 800 करोड़ लोग हैं ये भोगने से ही आए हैं और भोगने के लिए ही आए हैं। क्यों? क्योंकि विज्ञान ने और तकनीक ने ना जाने कितनी संभावनाएं पैदा कर दी हैं। लेकिन वो संभावनाएं भूलो मत कि बहुत बड़ी कीमत पर आ रही है। तुम जो चिप्स भोग रहे हो, याद रखना अभी क्या बताया था, वो किसी लाश से आ रहा है। ये जो तुम चीज खा रहे हो ये यूं ही नहीं आ रहा है, इसको तुम तो देखते हो और कहते हो कि चीज ही तो है, उसके पीछे क्या है ये तुम्हें पता ही नहीं चलता। ये जो जूता पहन लेते हो, कहते हो कि जूता ही तो है, उसके पीछे क्या है ये तुम्हें पता ही नहीं चलता। हम स्वयं को भी बर्बाद कर चुके हैं, इस पृथ्वी को भी बर्बाद कर चुके हैं, आने वाली पीढ़ी तो बर्बाद कर ही दी पूरी। पहले एक बात और होती थी, आदमी की भोगने की वृत्ति पर धर्म अंकुश लगता था। आज के समय में एक ऐसी घटना हुई है जो इतिहास में हैरत अंगेज है, एकदम अनूठी है। आज के धर्म गुरु भोग को प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनकी हिम्मत ही नहीं है कि खुलकर कह पाए कि तुम्हारा भोगना तुम्हें बर्बाद कर रहा है। लोग भोगने को इतने आतुर है कि उन्हें पता है कि भीड़ जुटेगी ही नहीं अगर हमने भोग के खिलाफ कुछ बोल दिया, तो वो लोगों के भोग को ही प्रोत्साहित करते हैं। कोई बताता है कि इतना संभोग करो कि तुम्हें मुक्ति मिल जाए, कोई बताता है कि नहीं, जो चल रहा है दुनिया बिल्कुल ठीक चल रही है, इसी दुनिया के दायरे में रह करके और आगे बढ़ो, तरक्की करो, उन्नति करो। जब धर्म गुरु के भोग के समर्थन में खड़े हुए हैं तो फिर अब भोग पर अंकुश कौन लगाएगा? विज्ञान भोगने के अवसर दिए जा रहे हैं,
और धर्म भोगने को प्रोत्साहित कर रहा है। विज्ञान भोगने के लिए तुम्हें वस्तुएं दिए जा रहा है, वास्तव में विज्ञान भी नहीं दे रहा। विज्ञान का तुमने जो दुरुपयोग किया है, जो टेक्नोलॉजी लगाई है, वो दे रही है। तो वस्तुएं आई जा रही हैं और उस भोग को रोकने का जो ऐतिहासिक तरीका रहा है, वो तरीका आज विफल हो गया। देखो ना, अभी सब जो गुरु लोग हैं उनको इस बात में शान समझते हैं कि दिखाए कि हम भी तो भोग सकते हैं ना। ये रहा हमारा हेलीकॉप्टर, ये रहा हमारा प्लेन, ये रही हमारी एडवांस्ड मोटर बाइक, हमारे चश्मे देखो, अंगूठियां देखो, हमारे महल देखो। हमारा इतना ही नहीं, उनकी व्यापारियों से गहरी साठ गांठ हो गई है। शरीर के तल पर तुम किसको भोगते हो? शरीर के तल पर तुम भोगते हो रूप को, सौंदर्य को। तो तुम पाओगे कि धर्मगुरु सिनेमा के अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ नजर आ रहे हैं। अगर वो चर्चा सात्विक हो तो बढ़िया बात है, पर अक्सर उस चर्चा में सिर्फ ये संदेश होता है कि धर्मगुरु भी देखो भोग को, रूप को, लावण्य को मान्यता दे रहा है। ये संदेश गलत है। इसी तरीके से धर्मगुरु नजर आ रहे हैं व्यापारियों के साथ, राजनेताओं के साथ। ये बड़े से बड़ा पाप है। धर्म का काम था समाज को दिशा देना, सही दिशा देना। धर्म का काम था अर्थ पर काम करना, अंकुश लगाना, है ना। पर जो लोग काम वासना को भड़काते हों, धर्म अगर बगल में बैठा नजर आए तो जो अर्थ पशु हो, पैसा ही कमाना जिनका प्रयोजन हो, धर्म गुरु उनके बगल में बैठा नजर आए तो धर्म अब कैसे अंकुश लगाएगा, वासना पर और लोभ पर। नतीजा ये हुआ कि कुल मिला जुलाकर ये भोग को अब एक नैतिक स्वीकृति भी मिल गई है। ना संयम बचा है, ना लज्जा बची है। अब तुम्हारा अहंकार खुलेआम अपना नंगा नाच दर्शा सकता है, कोई रोक नहीं है। इस सब से लड़ना बहुत जरूरी है, भले ही हार मिले इस समय, और कोई काम करा भी नहीं सकता है। यही काम करना है, ये काम होगा, नतीजा चाहे जो भी निकले। अब फिर प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछता है, आचार्य जी जैसे दूध और दूध से बने जो प्रोडक्ट हैं उनके कारण पशुओं का शोषण हो रहा है और वो हमारे लिए इतने लाभकारी भी नहीं है, तो जैसे गांव में या किन्हीं जगहों पर पशुओं को बड़े प्यार से रखते हैं, उनको खाने पीने का ध्यान रखते हैं, उनकी पूरी सेवा करते हैं, उनके बच्चों का भी ध्यान रखते हैं और उससे जो दूध मिलता है उसको अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या वो भी गलत है या ठीक है? आचार्य जी अब इसका जवाब देते हैं, कम गलत है पर गलत फिर भी है। तुम पशु का इस्तेमाल व्यावसायिक दोहन के लिए करोगे, उसका दूध इधर उधर बेच रहे हो, वो गलत है। उससे ज़्यादा गलत है कि उसका वध ही कर डालो, और उससे कम गलत ये है कि पशु को रखा हुआ है और उसको दाना पानी दे रहे हो और उसके दूध का खुद इस्तेमाल करते हो, ये कम गलत है। पर गलत तो ये भी है, उस कोई तुमको कैद में रख ले और तुम्हें खूब दाना पानी दे, लेकिन तुमसे कहे कि तुम रहो वैसे ही, जियो वैसे ही जैसा हम चाहते हैं, तो स्वीकार करोगे? वो कहेगा कि दाना पानी खूब देंगे, मानोगे? नहीं, आज़ादी सबको चाहिए भाई। फिर प्रश्न तीसरा, नहीं, आचार्य फिर कहते हैं, पशु की जगह जहाँ है पशु को वहीं होना चाहिए। प्रेम पूर्वक तुमने किसी को रख लिया, ये एक बात है, दूध के लिए किसी को रख रहे हो ये बिल्कुल दूसरी बात है। और सही बात है, गाय को कोई प्रेम के लिए नहीं रख रहा है बल्कि उससे व्यवसाय करने के लिए कर रहा है, फिर चाहे हम स्वयं हो या फिर दुनिया के कोई भी व्यक्ति हो। आचार्य प्रशांत जी के द्वारा रचित ये पाठ भी खत्म होता है। फिर मिलते हैं इनके द्वारा रचित अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।
यदि आपको ये स्टोरी पसंद आए, ये कहानी पसंद आए, युद्ध अपने विरुद्ध, तो कृपया करके आप इस वीडियो को शेयर भी करें अपने फैमिलियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दें क्या आपको अगला पार्ट सुनना है। यदि आप इस पार्ट को पसंद करेंगे तभी मैं अगला पार्ट अपलोड करूंगा, अन्यथा मैं अपलोड नहीं करूंगा, क्योंकि आपके इच्छा के खिलाफ जाना हमारी उसूल नहीं है। तो मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने परिवार का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं।